हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूँ ज़ुबैदा बिलाल और आप देखते हैं ज़ुबैदा बिलाल व्लॉग। तो जनाब, आज आपके लिए कोई व्लॉग श्लॉग नहीं लेके आई। आज आपके लिए समर के हवाले से मैं रेमेडी लेके आई हूँ, कुछ थोड़ी सी रेमेडी, क्योंकि आपको पता है कि गर्मी शिद्दत की पड़ रही है। तो जनाब, आज की जो वीडियो है ना, वो मैं सिर्फ औरतों के लिए नहीं बना रही, वो मैं मर्द हजरात के लिए भी बना रही हूँ। वो लोग जो ऑफिस में काम करते हैं, जिनका घर से बाहर आना जाना रोज़ाना तकरीबन रहता है, यानी कि वो खवातीन जो ऑफिस में जॉब करती हैं, मर्द जो है वो डेली बाहर जाते हैं ऑफिस में, और आपको पता है जब धूप में आना जाना होता है तो आपकी जो स्किन है वो थोड़ी सी झुलस सी जाती है। और गर्मियों में ऐसा मेरे साथ भी होता है कि बहुत ज़्यादा अगर बाहर आना जाना मेरा हो, और वो भी सिखर दोपहर, यानी कि दोपहर के टाइम या सुपहर के टाइम, तो आपको पता है जब सूरज की शुआएँ आपकी स्किन के ऊपर डलती हैं तो स्किन जो है वो झुलस सी जाती है। तो ये आज की वीडियो उन हजरात के लिए है, खवातीन और मर्द हजरात के लिए है, जिनका बाहर आना जाना रहता है और उनका चेहरा ख़राब हो जाता है। उस हवाले से जो है मैं आपको रेमेडी दूंगी। अगर आपका चेहरा सूरज की तेज छुआओं की वजह से झुलस गया है, खराब हो गया, तो वो आपका दोबारा ठीक हो जाएगा। जिनका रंग काला हो गया है धूप की वजह से, वो भी कलर ठीक हो जाएगा। चलें, बातें भी होती रहेंगी, साथ काम की बात भी कर लें। कि जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से आ जाए मेरे चैनल पे। मेरे घर में जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो फैमिली दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आग की तरह फैला दें, जैसे जंगल में आग फैलती है ना, आप फैला देते हैं, इस तरह से मेरी वीडियो को फैला दें और आखिर में अच्छा सा कॉमेंट्स करें अपनी बहन के साथ। तो चलिए जी, वीडियो का आगाज करते हैं और शुरू करते हैं आज का व्लॉग। ओके जी, सबसे पहले तो अपने किसी अच्छे से फेस वॉश से चेहरा धो लें ताकि मेकअप साफ हो जाए। उसके बाद फर्स्ट नंबर पे ये करना है कि आपने एक खाना खाने वाला चम्मच बेसन लेना है, हाफ टी स्पून आपने हल्दी लेनी है और डेढ़ खाना खाने वाला चम्मच जो है आपने दही लेना है। मेरे पास अरके गुलाब नहीं था, अगर हाफ टी स्पून अरके गुलाब डाल लें तो क्या ही बेहतर होगा। इसको अच्छा सा पेस्ट बना लेना है, याद रखिएगा पेस्ट बहुत थिक ना हो और इसको बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना, नॉर्मल रखना है। इसको चेहरे पर अप्लाई करना है। आपको पता है कि बेसन वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा है और ऑयली स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और दही जो इसमें हमने ऐड किया है वो विटामिन सी से भरपूर होता है। उसके बाद हल्दी के फायदे तो आप खुद समझते होंगे। और इसको आपने 5 मिनट के लिए मसाज करना है और बहुत अच्छा असर पड़ता है। यकीन जाने कि मैं अक्सर गर्मियों में ये टोटका इस्तेमाल करती हूँ और आप खुद मेरी स्किन देख सकते हैं। उसके बाद आपने 10 मिनट के बाद ठंडे पानी से मुँह धो लेना है। और ये देखें जनाब, फर्स्ट अप्लाई से ही चेहरा कितना अच्छा आप खुद देखेंगे, ग्लो करेगा, चमक जाएगा और खुद हैरान रह जाएंगे। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे जो आपके साथ रेमेडी शेयर करने लगी हूँ वो ये है कि आपने कॉफ़ी जो है एक खाना खाने वाला चम्मच लेना है कॉफ़ी। उसके बाद आपने गंदम का आटा जो है एक खाना खाने वाला चम्मच ये लेना है, और उसके बाद कच्चा दूध जो है वो आपने एक खाना खाने वाला चम्मच लेना है, ठीक है। इसको अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। इसका भी जो लिक्विड है, मतलब ये बहुत ज़्यादा इसको थिक रखना नहीं है और ना ही इसको ज़्यादा पतला रखना है, नॉर्मल। इसको आप चेहरे पे अप्लाई करेंगे, ये एक मास्क के तौर पे इसको लगा के हमने मसाज नहीं करना, इसको सिर्फ मास्क के तौर पे हमने यूज करना है। एक तो आपके मसाम जो गर्मी की वजह से खुल जाते हैं वो आपके बंद हो जाएंगे, दूसरा कॉफी और कच्चा दूध जो है वाइटनिंग के लिए बहुत भरपूर है, गंदम का आटा जो मसाम के अंदर गर्दो गुबार हमारे गर्मी की वजह से आने जाने से जमा हो जाता है वो बहुत आसानी से निकल जाएगा। स्किन जो है वो इस मास्क से टाइट होती है, यानी कि आपकी स्किन बहुत अच्छी टाइट हो जाएगी। और इसको आपने तकरीबन 5 मिनट के लिए रखना है, उसके बाद आपने ठंडे पानी से दोबारा मुंह धो लेना है। और यकीन जाने कि आप जब ये एक ही दिन में ये सारे टोटके करेंगे ना तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। और उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाता है जी आम। ये आम आ जाता है, और आम आजकल आपका पता है आम का सीजन चल पड़ा है, गर्मियों में तो आम जो है ना हर रेड़ी पे वो निकल रहे होते हैं, आ रहे होते हैं। इस आम की गुठली को जो है ना सबसे पहले आपने चूस लेना है, और इतना नहीं चूसना कि इसके ऊपर से सारा गुदा ही आप चूस लें, और ये गुठली ही इस्तेमाल करनी है आपने। इसके जो ऊपर से आप इसकी काशियाँ उतारेंगे वो इस्तेमाल नहीं करनी, सिर्फ इसकी गुठली जो आम की है यही इस्तेमाल करनी है। ये स्क्रबिंग हमारे चेहरे की बहुत अच्छी तरीके से इससे होती है और विटामिन सी से भरपूर होता है आम, आपको पता है इसमें विटामिन सी जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और इसको भी आपने राउंड राउंड में बहुत अच्छे तरीके से तकरीबन 10 मिनट तक मसाज करना है आम की गुठली से। और मैं कहती हूँ कि आप ये एक दफ़ा रोज़ाना डेली देखें, रोज़ाना डेली हमारे घरों में आम खाए जाते हैं जब आम का सीज़न आता है, और डेली गुठलियाँ इतनी घर में जमा हो जाती हैं। अगर आप डेली जो अपने चेहरे पे 10 मिनट तक इसका मसाज करें तो मैं कहती हूँ इतना आपका रंग वाइट हो जाएगा तो आपको किसी पार्लर में जाके फेशियल या महंगी क्रीमें भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। इसको तकरीबन 10 मिनट तक मसाज करना है, और उसके बाद इसको आपने तकरीबन जो है 15 मिनट के लिए छोड़ देना है।
और 15 मिनट छोड़ने के बाद जनाब आपने जब ठंडे पानी से मुंह धोएंगे तो याद देखें, आप खुद देखें कि आप कहेंगे देखें मैं वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो खुद पे अप्लाई की हो, और आप मेरी नोज़ देखें, मेरे गाल देखें कितने चमक गए हैं। और आखिरी टिप जो मैं आपको देने लगी हूँ ये तो एक जादू वाली टिप है। ये खीरे जो है आपको पता है सलाद में आजकल हर घर में खाए जाते हैं और ठंडे खाने में भी होते हैं और स्किन पे लगाने के लिए तो बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसका इतना बड़ा फ़ायदा है कि जो स्किन आपकी सूरज की छाँव की वजह से झुलस जाती है ना, मतलब डबल टोन हो जाती है, ये खीरे उसको उसी वक्त रिपेयर करते हैं। यानी आप जब बाहर धूप से आएँ और आते साल ठंडे पानी से मुँह धो के और ये खीरों का पानी या खीरे की कत्तियाँ काट के इस तरह से मसाज करें 5 से 10 मिनट तक, तो यकीन जाने कि आपका चेहरा इतना अच्छा हो जाएगा और रिपेयर हो जाएगा, जूसी स्किन ठीक हो जाएगी, कतलियाँ आँखों के ऊपर भी आपने रखनी है और उसके बाद 10 मिनट बाद आपने ठंडे पानी से मुंह धो लेना है, तो आपको खुद फ़ायदा नज़र आएगा। और यकीन जाने कि ये सारे टोटके अगर आप आजमाएंगे तो आपकी स्किन बहुत अच्छी ग्लो करेगी। जनाब ये था आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।